दोस्तों टी आर एस हिंदी का है टी में आपका स्वागत है। नहीं करें अपने बारे में दूसरे बात करें मेरे बारे में बुरा ही बोले सही है लोगों को जानना आपके सोच विचार क्या है जो आप एक्चुअली यहाँ कर रहे हो तो थैंक यू फर्स्टली नहीं यहाँ देखिए हमारे कुछ प्रोफेशनल मजबूरिया होती है हमारी व्यवसायिक मजबूरियां हैं और वो उसके कारण मैं कुछ एक करता भी हूँ मैं बिल्कुल करता हूँ लेकिन आप चूँकि आप आध्यात्मिक हैं और आपसे साथ बैठ कर मज़ा आ रहा है क्योंकि तो मुझे अब जब आप अध्यात्म और मेडिटेशन और इन सब चीज़ों में बहुत साल तक रहते हैं तो आपको गुड एनर्जी बड़ी जल्दी पता चलती है आपको स्पेस पता चल जाता है कितनी जगह तो मैं जाता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ सडनली मुझे लगता है है कि नहीं नहीं ये जगह सही कहाँ से आता है शायद ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रैक्टिस से ही सर ऑनेस्टली इस पॉडकास्ट को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये पता चला कि हर दिन आप चार बजे उठ के मेडिटेशन करते हो तो आई कुड टेल कि आप अपने लाइफ के एक स्पिरिचुअल फेज uh, में हो और इसलिए आपसे बातें करनी थी तो आई एम ग्लैड कि आप खुद ऐसी बातें कर रहे हो क्योंकि अक्सर इन बातों के लिए मुझे एक घंटे के लिए रुकना पड़ता है बाकी सारी बातें करनी पड़ती है आ, और मुझे थोड़ी एम्बेरसमेंट फील हो रही है क्योंकि ये हमारा असली स्टूडियो नहीं है एक इंटरम स्टूडियो की असली स्टूडियो की रेनोवेशन हो रही है अच्छा और वहाँ की जो आप कह रहे हो बैड एनर्जी या गुड एनर्जी वहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग है पर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ आ रहे हो और ऑनेस्टली जो भी गेस्ट हमारे आते हैं पॉडकास्ट uh, पर उनकी कुछ एनर्जी रह जाती है स्टूडियो में hmm. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी हाँ। थोड़ी सी एनर्जी यहाँ रह जाएगी थैंक यू वेरी माँ था। हाँ। था। हमारे गुरु जी का है सब कुछ हमारे पूरी एनर्जी को चेंज करने में उनका बड़ा उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है और बहुत सारे अनुशासन अभी है नहीं लेकिन उस तरफ जाने की पूरी कोशिश चल रही है और लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट है और ये चुनौती है मेरे लिए कि मैं कैसे इस पूरी के पूरी इल्यूजन में रहते हुए मैं कैसे पूरे तरीके से समर्पित रहूं उस पूरी आध्यात्मिक अनुशासन को क्योंकि तो इसमें मज़ा बहुत आ रहा है <laughs> मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सेम मैं कभी कभी लगता है यार इतना लेट क्यों हुआ hmm. वो मुझे तो भी लगता है लेकिन फिर लगता है किसी को तो पूरे कई जन्म लग जाते हैं ये पाने में मुझे तो मिल तो गया तो वहां पे बहुत संतोष होता है कितनी देर के लिए मेडिटेशन आप कभी भी आ, मापता है नहीं है okay. आ, मेडिटेशन कभी कभी पांच मिनट ही होता है okay. कभी कभी पच्चीस मिनट होता है कभी तीस मिनट होता है उसको कभी सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो एक ऑन गोइंग प्रक्रिया है प्रोसेस है कोई भी काम जब आप कर एक नहरी महाशय जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बनत बनत बन जाए आप अगर ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिख ये जिक्र आता है कि बनत बनत बन जाए मतलब बनते बनते बन जाए इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस करते रहो अगर पाँच मिनट भी बढ़िया मेडिटेशन हो रहा है उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है और पचास मिनट भी बढ़िया मेडिटेशन नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है जरूरी यह है कि आप कोशिश करते रहिए करते रहिए करते रहिए क्योंकि आपने एक चीज देखा है कि जब आप मेडिटेशन करके उठते हैं तो आप सबसे शांत होते हैं ऐसा लगता है जैसे आपकी बात करने की इच्छा नहीं होती आप एक ब्लिस में रहते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि आप इस इल्यूजन से थोड़ी देर के लिए हट चुके हो नहीं वो इसलिए होता है क्योंकि जो स्पिरिट आपके बॉडी के अंदर बंद है कैद है उसको वही चाहिए क्योंकि उसको कहीं मोक्ष की तरफ जाना है आपका शरीर एक बस पड़ाव है एक स्टॉप है बस स्टॉप है उसके लिए और उसके लिए हम कुछ नहीं करते जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं दैट इज दैट इज द टाइम वी आर डूइंग समथिंग फॉर आर सोल जब सोल सेटिस्फाई होता है तो आपको एक ब्लिस का एहसास होता है जब सोल सेटिस्फाई नहीं होता है तब आपको जो मिजरेबल सिचुएशन आपको पता भी नहीं चलता कि आप उदास क्यों हैं आपको गुस्सा क्यों आ रहा है आप खींच आप में क्यों पड़े हुए हैं आपको नहीं पता चलता है सम वेयर सोल टू गो इन इनवर्ड मेक माई जर्नी शॉर्टर

उनको दस मिनट मेडिटेशन करने मुश्किल होती थी जब लेकिन योगानंद ने जी ने उसी में कहा है कि हमारे स्कूल के बच्चे ही कराची में जो उन्होंने योगदा सोसाइटी खोली थी हमारे स्कूल के बच्चे छः छः साल के आठ आठ साल के वो आधा आधा घंटा एक एक घंटा एकदम स्थिर मेडिटेशन करते थे क्योंकि तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं

हर किसी के साथ ही हर किसी के साथ होता है बट दे डोंट नो हाउ टू गो द पाथ ऑफ स्पेशल एवरी वन इज नॉट ब्लेस्ड लाइक यू है ना और इवन इफ दे गेट एन अपॉर्चुनिटी दे ट्राई टू डिस्कार्ड इट बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दे थिंक इज द दल्यूशन दे आर स्टिल अटैच्ड ओके मेडिटेशन की वजह से आपकी एक्टिंग को भी फायदे मिलते हैं बहुत ज्यादा आज मैं जितनी मेहनत करता हूँ जितने सूक्ष्म तरीके से मैं देख पाता हूँ अपने कैरेक्टर को उतने तरीके से पहले नहीं देख पाता मैनेट क्विंट में जब मैं काम कर रहा था अनमाइंडेड माइंडेड शेखर कपूर इज अ वेरी स्परिचुअल एक्सट्रीमली एंड ही That that the actor is performing for me, that's not a performance. <laughs> और मेरे समझ नहीं आया <laughs> कि यार, spiritual set क्या होता है कौन सा स्पिरिचुअल सेट <laughs> कैसे दिखाएं आई अंडरस्टूड इट hai फाइव इतल है जो भी आदमी क्योंकि आपने मुझसे कहा कि हिंदी में ही ज्यादा <laughs> <करते। laughs> जो भी कैरेक्टर आप करते हैं वो आता तो जीवन से है एक रिक्शे वाले का आप रोल करते हो उसका स्पिरिचुअल साइड क्या है जबकि वो सुबह निकलता है पैडल करता है दो लोगों को बिठाता है वो उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ता है वापस आता है उसी पैसे से रोटी खरीदता है चावल खरीदता है दाल खरीदता है उस शाम को वो खाना खाता है आप कहेंगे उसका स्पिरिचुअल साइड क्या है उसका स्पिरिचुअल साइड ये है कि ही हैज सरेंडर्ड हिज डेस्टनी हिमसेल्फ

हमारी स्थिति यह है तो वो, उसका हमेशा जवाब दो तीन तरह का हो का ही होगा अब जो भगवान चाहेंगे वही होगा ना अब हम क्या करें हमारे हाथ में थोड़ी है उसके अलावा नहीं कर दैट इज स्पिरिचुअल साइड एंड इट शोज इन हिज आइज सो जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आज तो मुझे वो अपने स्किन ऑफ द कैरेक्टर I I should keep that That in my mind. I have to 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 surrender. surrender The the character has to surrender to the destiny. is is why he is doing it. तो क्रांति करेगा रेवोल्यूशन करेगा, करेगा सड़क पे निकल जाएगा दुकानें तोड़ फोड़ करेगा किसी को मार देगा लेकिन वो नहीं कर सकता है ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना बाकी के वीडियोज भी देखिए बहुत तगड़े वीडियोज होते हैं टीआरएस आर क्लिप्स हिंदी पर आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है ये वाली प्ले देख लीजिए आपके लिए बनाएंगे दोस्त